Aamir Khan's last film PK got embroiled in many controversies before and after its release, feels that Bollywood has become a soft target for people who seek publicity. At a recent event when talking about how controversies affect films, Khan said, "Controversies ka bhi aisa ho gaya hai ki film industry jo hai bahut soft target hai. Do teen cheeze hain iske sath. Jahan aapne film ke khilaf koi cheez awaaz uthai, to aapko foran publicity milti hai. Falana dhamka ne PK khilaf case kar diya, wo aa gaya front page pe. Har jagah news pe aa jata hai." पीके मेरी फिल्म थी, मेरे राइट्स राजू ने चोरी किए, डार्क फ्रंट पेज पे आ गया वो, तो हर जगह न्यूज पे आ रहा है कि बेचारा राजू हिरानी ने अब कहीं से पीके की कहानी चोरी की है। तो ये बड़ा इजी हो जाता है लोगों को इससे पब्लिसिटी मिलना। तो झूठ मूठ के केसेस इतने हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं, जब वो केस आएगा हियरिंग के लिए, जब वो प्रूव होगा कि नहीं वो पीके जो है राजू हिरानी की ही कहानी थी, तब तक हम इस कॉन्ट्रोवर्सी को भूल गए होंगे, उसको 10 साल हो चुके होंगे। लेकिन उस आदमी को इस वक्त अभी का अभी उसको उस चीज का फायदा हो गया। तो दूसरा ये कि लोग बहुत सारे हैं जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि आपकी फिल्म अभी आई है तो वो ब्लैकमेल करेंगे, मैं ये कंप्लेंट करता हूं आपकी फिल्म के खिलाफ, फिल्म रोक दूंगा, तो फिर वो चाहते हैं कि आप उनको अलग से सेटल करें, उनको पैसे वैसे दें। तो फिल्म इज ए वेरी सॉफ्ट टारगेट, सो अनफॉर्चुनेटली वी गेट अटैक्ड, एंड इट्स नॉट ओनली माई फिल्म और वन फिल्म और टू फिल्म, हर फिल्म को आप देख लीजिए कोई ना कोई केस हो रहा है हर फिल्म के खिलाफ, हर फिल्म के खिलाफ कोई ना कोई केस हो रहा है, लोग उसको बंद कराना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ केस कराना चाहते हैं। तो आई फील इट्स हाई टाइम दैट यू नो द पीपल एट लार्ज शुड नो दिस दैट वी आर सॉफ्ट टारगेट्स, वी आर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड, और चूंकि उससे न्यूज बनती है, इवन मीडिया चैनल्स आई फील शुड शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई कोई एक आदमी है जो एलेज कर रहा है कि उसने राजू हिरानी की कहानी चुराई है या राजू हिरानी ने उसकी कहानी चुराई है। तो आप थोड़ा सोचिए राजू रानी के बारे में, किस किस्म का आदमी है वो, कभी लाइफ में ऐसा करेगा, गांधीगिरी मचा बना चुका है, आप राजू से बात करेंगे तो लगता है कि यार इससे कोई नेक इंसान नहीं है। तो इससे पहले कि मैं इसको न्यूज बनाऊं, थोड़ा मैं टटोलूं कि इसमें कुछ भी सच्चाई है या नहीं, यू नो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट आपको उसमें रखना चाहिए, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी शोन, एवरीथिंग जस्ट कैनॉट बिकम न्यूज जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग टू हिट द हेडलाइंस, सो दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग आई फील दैट्स हैपनिंग। So I'm against controversies completely. Aamir will be next seen playing a wrestler turned coach named Mahavir Phogat in Dangal. For more on movies, fashion and entertainment, stay tuned to movietalkies.com.